अगस्त और 16 सितंबर तक में टोटल 2158 बच्चे जो भर्ती थे उसमें 71 बच्चों की डेथ हुई, विभिन्न माध्यमों के डेथ हुई 71, और जिसमें अलग अलग बीमारी को लेकर के हेपेटाइटिस से 3 डेथ हुई है, ब्लथ एक्सपेक्शन से 11 डेथ हुई है, मेनिंजाइटिस से 12 हुई है, एनीमिया से 4 डेथ हुई है, सेप्टिसीमिया से 21 डेथ हुई है, निमोनिया से 9 हुई है, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस से 1 डेथ हुई है, डीबीडी से 3 हुई है, रीना फिलोर से 1 डेथ हुई है, एक्यूट एनसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से 6 डेथ हुई है। इस तरह 71 डेथ हुई है जो 2158 बच्चों में, जिसका परसेंटेज 3.3 है। क्या कारण है, क्या माना जाए, कहाँ से चूक हो रही है जो ऐसे बच्चे मासूमों की जान जा रही है? जो बच्चे आते हैं, चूँकि बहराइच जिला अस्पताल मंडल में ऐसा अस्पताल है जिसको माना जाता है कि यहाँ बेटर सुविधा दी जाती है, ऐसा लोगों में विश्वास है, तो अगल बगल के जिले के लोग हैं, जो भी रिफर होता है कहीं भी होता है या नहीं ठीक हो पा रहा पेशेंट, सीधे जिला अस्पताल बहराइच जाते हैं। बहुत जो अगल बगल जिले से जो रिफर होते हैं लखनऊ के लिए, वो भी जिला अस्पताल बहराइच आ जाते हैं और यहाँ पर सीरियस बच्चे को भर्ती करते हैं, जिसमें बगल के जिला है श्रावस्ती जिला है, बलरामपुर है, कुछ केस गोंडा से आते हैं, नेपाल से आते हैं, और ऐसे बच्चे यहाँ आके भर्ती होते हैं। बाकी जो प्रैक्टिशनर यहाँ पे हैं जिसको देखते हैं सीरियस केस है उसको रेफर करते हैं लखनऊ के लिए, वो भी बच्चे भी यहाँ चले जाते हैं, तो जो अंतिम अवस्था बच्चे आते हैं उनको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी 80% बच्चे बचाए जाते हैं। हमारे यहाँ PICU है जिसमें वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है, उसके बच्चे रखे जाते हैं, उस पर पूरी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, स्टाफ की टीम है, सब वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को बचाया जाता है उसमें, लेकिन जो बहुत बच्चा नहीं बचाने लायक होता है वही बच्चे डेथ होती है।